थोड़े दिनों में मैंने एक दर्शन देखा, सुबह सुबह थोड़े दिन पहले की सुबह, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 5 बजे की बात, क्योंकि मेरे यहां आते हैं, मैं सत्य बताता हूं, सुबह मेरा मन मुझे रोक रहा था, जब मैं दर्शन आज मैंने बताना था, मैं सच्ची बात कहता हूं, मेरा शरीर मुझे रोक रहा था, अरे लोग क्या सोचेंगे, हाँ, पर मैंने कहा परमेश्वर हो सकता मेरी एक बात हो, तेरे लोगों की कितनी बातें हो जो पूरी ना करते हो, पर मुझे कोई रोक रहा था। सुनो दर्शन क्या है, मैं क्या देख रहा हूं उस दर्शन में, कि एक खड्डा है, बोलो क्या, पानी से भरा है, छोटा खड्डा है, मान लो कोई 8 फीट का, 8x6 8x इतना बस छोटा खड्डा और पानी से भरा हुआ, और उसमें कोई कीमती चीज है, क्या है बोलो, उसमें कीमती चीज है, उसमें लेने को उतरना है, उस खड्डे में जाना है, पर मुझे लग रहा पानी गहरा, और मुझे ऐसा लग रहा है सपने में मैं देख रहा हूं कि उसमें कोई जीव है जो अगर मैं जाऊंगा तो मुझे काट लेगा। मैंने जो मेरे साथ एक बंदा और है, मैंने कहा नहीं नहीं भाई, कोई काट लेगा मुझे लगता है, मैं डंडे से देखता हूं कुछ है तो नहीं पानी के अंदर, मैं डंडे के साथ ऐसे देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, तो कोई चीज ने उस डंडे को ऐसे जोर से उसका, मैंने उसके मुंह को देखा, कोई चीज जैसे पता नहीं कोई जीव है मछली है क्या है, उसने उसके डंडे को ऐसे पकड़ लिया, तो मैंने कहा देखा देखा, मैंने कहा था ना इसने मुझे काट देना था, जब ऐसे कहा तो थोड़े समय में उस खड्डे का सारा पानी बाहर आ गया, पता नहीं कैसे वो सारा पानी बाहर हमने निकाल दिया, जा मैंने बस उस खड्डे को खाली देखा, जब खाली देखा तो हम उस खड्डे में, मैं और एक और जन था, हम दोनों उस खड्डे में निकल गए, नीचे उतर गए, और उस खड्डे में जैसे शेक होते हैं, जैसे हम रुड बोलते हैं, रुडे होती ना पंजाबी में, शेक जैसे, और उन शेकों में सोना है, सोना चांदी है, हीरे सोना, तो हम निकाल रहे हैं उससे, क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं उसमें से, हम जेबों में डाल रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, हुआ क्या, जब हमने उन खड्डों से, उन शेकों से सारा सोना निकाल लिया, तो मैंने थोड़ा सा सोना, मैंने उस जो मेरे साथ वाला, उन्होंने कहा, मैंने कहा ये लो जी मेरे वाला, और मैंने थोड़ा थोड़ा इधर वाली पॉकेट में डाल लिया, और मैंने कहा मैंने दे दिया, क्या कर लिया, मैंने दे दिया, और जब मैंने ऐसा किया, मैं क्या देखता हूं कि जो वो जो सोना मेरी जेब में, मैं दोबारा देखता हूं तो है नहीं, मैंने कहा यार मेरी तो जेब में कहां चला गया, पर मैं फिर मन फिराता हूं उसी समय उस चीज के लिए सपने में, अब मुझे, मैंने बस ये दर्शन देखा ऐसे करके ना, तो मैं मन फिराता हूं, और मैंने कहा नहीं नहीं परमेश्वर ये गलत बात है, मैं उस बंदे से धोखा तो नहीं कर रहा है ना, तो मैंने उसी समय मन फिराया कि नहीं ऐसा नहीं है, और जैसे मैंने मन फिराया सोना फिर मेरी जेब में, और फिर उन शेकों से जिससे सोना हम निकाल रहे थे वो भी खत्म हो गया, वो पहले आ रहा था पर फिर से उन शेक उन खड्डों में से, उन जो शेक होते जिसे हम रुड बोलते उनमें से फिर से सोना आ रहा है, बस मैंने इतना देखा और ये सपना बंद हो गया, क्या हो गया, जब मैं सुबह प्रार्थना में बैठा, क्या बैठा, जब मैं सुबह प्रार्थना में बैठा तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, तो परमेश्वर ने इस बात को मेरे ऊपर प्रकट किया, क्या किया, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जो बात हम नहीं कर सकते, एक वचन को जल्दी से पढ़ दो, जल्दी से 7 रोमियो, हम इस वचन से, इस दर्शन को, इस वचन से क्लियर करेंगे जो परमेश्वर ने मुझ पर इस बात को प्रकट किया, रोमियो 7:14, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं, जो मैं करता हूं। ध्यान से समझना, ध्यान से, आराम से पढ़ना और ध्यान से समझना, हाँ पढ़ो,
हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि व्यवस्था आत्मिक है। जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के समय दी थी वो है किसके लिए? परमेश्वर ने दी इसराइलियों के लिए, पाप के लिए। वो व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दी? पाप के लिए दी। किसके लिए दी? पाप के लिए। उसे पंजाबी में शरा कहते हैं और उसका मीनिंग पूरा है कि एक प्रबंध। मैं जानता हूं कि व्यवस्था क्या करती है। दोबारा पढ़ो, क्या लिखा? व्यवस्था। हम तो जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है। आत्मिक है और? परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ। जैसे पापों से माफी तो मिल गई, पाप है तो किसमें? हमारे शरीर के अंदर ही है। क्योंकि आत्मिक रूप में, ध्यान से समझो इस बात को, आत्मिक रूप में क्या मिल गई है? माफी मिल गई। मिल गई है ना? क्या मिल गई है? पर है पाप हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे ब्लड है शरीर में। इसलिए गुस्सा आता है छोटी छोटी चीज में, मन खराब, लालच, कई चीजों का, धोखा धड़ी, कई चीजों में हम क्या करते हैं। इसी लिखा, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के धन से बड़ा उत्तम है। आगे पढ़ो। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता। हाँ, जो मैं नहीं चाहता मैं वो करता हूं, और परंतु जिससे मुझे घृण आती है वही करता हूं। जिससे मुझे घृण आती है मैं फिर भी वही करता हूं। मुझे पता है ये गलत काम है पर मैं फिर भी कर रहा हूं। मुझे देखना कि ये वीडियो देखना, फोन से इन पिक्चरों को देखना गलत चीज है, मुझे पता है, पर फिर भी पाप क्या करा रहा है। फिर भी मुझे पता है हेरा फेरी, ये ठगी वाली चीज गलत चीज है, ये गलत चीज है, मैं फिर भी कर रही हूं, कर रहा हूं। हाँ, समझ आ रही है? आगे बढ़ो। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं। जो मैं नहीं चाहता मैं वही करता हूं। आगे। तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। फिर मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, फिर क्योंकि व्यवस्था पाप के लिए दी थी परमेश्वर ने। फिर मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था फिर भली है, क्योंकि उसको मानो तो पाप से क्या मिलता था? छुटकारा। ये थोड़ा गहरा है वचन, बोलो क्या है? ये थोड़ा गहरा है, इससे बहुत डीप है, इसको समझने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। पर जितना समझ आ रही है उसके लिए धन्यवाद करो, बाकी परमेश्वर के लिए और समय निकालो, ठीक है? हाँ, आगे पढ़ो। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। ऐसा करने वाला फिर मैं नहीं लिखा, जो मुझ में पाप बसा हुआ वो है, मैं नहीं हूं, वो पाप है। जैसे लोग एक औरत अगर उसका पति नशा करता है, झगड़ा करता है, उसके बच्चे कुछ गलत करते तो वो समझती वो है, वो नहीं है, वो पाप है। लोग गालियां निकालते, कुछ करते तुम कहते वो है। कहता उसका करने वाला मैं नहीं हूं, जो मेरे शरीर में पाप है वो है। अब समझ आ रही है? क्योंकि आत्मिक रूप में माफी मिली, पाप है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर ही। अभी समझ आ रही है? आगे पढ़ो। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में बहुत है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हाँ, बस इच्छा तो मुझ में बहुत है पर भले काम मुझसे बन नहीं पड़ती। क्योंकि इससे मैं समझता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि व्यवस्था, इससे तो मैं समझता हूं कि व्यवस्था भली है क्योंकि व्यवस्था पाप के लिए दी। हाँ, क्या समझ दी? पर इसका करने वाला मैं नहीं हूं, लिखा पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि आत्मिक रूप में माफी मिली, जैसे अफिसियों 2:1 में लिखा, उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। पर उसकी
2:2 में लिखा आज्ञा न मानने वालों में अभी शैतान क्या कर रहा, कार्य काम कर रहा। कितना इच्छा तो है मुझमें भले काम करने की, पर मैं कर नहीं पाता। जब ये मैं दर्शन देखा तो ये वचन भी मुझे मिला। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की इस बात की, क्या की, हो सकता कुछ ऐसी चीजें हो जो शरीर में मैं नहीं कर पाता। होता है ना, हम चाहते हैं परमेश्वर ये करे तुम्हारे लिए, ये करे वो करे, पर पाप बसा। जैसे पौलुस कहता है इच्छा तो है मुझ में भले काम करने की, पर मैं पाप के हाथ भीखा हुआ, पाप मुझ में। कई बार बड़ा दिल करता है मैं ये करूं वो करूं, पर होता नहीं। पर सुनो, जब इस विषय के लिए मैंने इस दर्शन के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे इसकी समझ दी। क्या समझ दी, कि परमेश्वर मैं मनुष्य हूं, मैं एक इंसान हूं, पर तू सर्वशक्तिमान है। तेरा वचन कहता है जो काम मनुष्यों से नहीं तुझसे हो सकता है, जो मैं नहीं कर सकता परमेश्वर तू मुझसे करा सकता है, जिस आज्ञा को मैं नहीं मान सकता परमेश्वर तू करा सकता है। मैं नहीं जानता ये इस बात को परमेश्वर ने ये इस वचन को इस बात को प्रकट किया है मेरे लिए आपके लिए, क्योंकि मैं हमेशा इन चीजों में ध्यान देता हूं। कोई ऐसी बात तो नहीं जो मैं पूरी नहीं कर रहा, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो मैं पूरी नहीं कर रहा। फिर भी मैंने ये प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर कोई ऐसी बात है तो तू वो भी मुझ पर प्रकट कर, ताकि वो मैं पूरी करूं, क्योंकि मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। समझ आ रही है? तो इसलिए इस दर्शन का ये मतलब है कि जो काम आप नहीं कर सकते आप परमेश्वर को बोलो, जो आपसे नहीं होता आप बोलो। आप बोलो मैं संडे आए, मैं मंडे कैसे आऊं, मेरा किराया लगता है, मैं वीरवार कैसे आऊं। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, आप पूछो परमेश्वर से, जो उसका वचन कहता है अपनी समझ का सहारा न ले, मेरा 500 किराया लगता है, मेरा 1000 लगता है, वो तुम्हें लाखों देगा। मैंने कहा तुम्हें लाखों देगा। जब तक तुम करके नहीं देखोगे तुम्हें कुछ नहीं पता लगेगा, क्योंकि पाप कार क्या कर रहा है, प्रभुता कहता है इच्छा तो है मुझमें भले काम करने पर मैं कर नहीं पाता। इससे मैं समझता हूं कि पाप मुझ में बसा हुआ है। एक यहां पे सिस्टर है, उसने उन्होंने 20 निकाला, उनके हस्बैंड यहीं पे बैठे, वो कॉरपोरेशन में जॉब करते हैं, तो उनका दशमांश इकट्ठा हुआ था। कितना इकट्ठा हुआ था, कुछ महीने का, तो उसका 2500 रुपया बना था। जब ज्यादा हो गया ना, जैसे मान लो कितना है महीने का, 800-1000 निकालते हैं, तो 2-2.5 महीने का हो गया 2500, तो उसने देखा ये ज्यादा है। क्या है बोलो, उसने खुद बताया, क्योंकि उनके कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो वो कहते कि मैंने कहा ये ज्यादा, 1500 निकालते हैं। कितना निकालते हैं, 1500। पर फिर से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं परमेश्वर ये गलत है, हाँ ये गलत है। वो बता रहे थे कि ऐसा मेरे साथ हुआ। होता है, क्योंकि आत्मिक रूप में आपको माफी मिली है, पर पाप कहता इच्छा तो है मुझमें भले काम करने पर मैं कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पाप मुझमें बसा हुआ, इसीलिए हम उसके वचन को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि पाप हमें करने नहीं देता। कितनों को समझ आ रही है? मुझे लग रहा है कि आज आपको अंदर से हलाया परमेश्वर ने, अंदर से। आमीन, हालेलुया, आज अंदर से हलाया है, अंदर से। हाँ, आज समझ आ रही है, आज आके खुली है। ओ प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो काम मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, आप मुझसे करा सकते हो। जिस चीज से मेरा मन मुझे रोकता है परमेश्वर आप मुझसे करा सकते हो। इस दर्शन का यही मतलब था। आमीन।